नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडिक्शन मास्टर फार्मेसी। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे एक टेबलेट के बारे में बात करेंगे, AK-84 के बारे में। इसका ब्रांड नेम, इसका साल्ट नेम, इसके यूजेस, इसका साइड इफेक्ट, मतलब इसको किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा था आपको AK-84 के बारे में, तो देखिए दोस्तों, ये जो AK-84 है, इसका ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम से आती है। और देखिए दोस्तों, इसका जो साल्ट होता है, इसका जो साल्ट है, मैं आपको साल्ट बता देता हूँ इसका कि किस नाम से है ये। तो देखिए दोस्तों, इसका जो साल्ट है, कॉम्बी पैक ऑफ एथाबुगोल्ट हाइड्रोक्लोराइड एंड इसनोजिड टेबलेट आईपी, पैराजामाइड टेबलेट आईपी एंड रिफापेप्सिन कैप्सूल। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर इसका आपको ब्रांड नेम बता देता हूँ। देखिए AK-84 के नाम से टेबलेट आती है, और ब्रांड नेम से, काफ़ी ब्रांड नेम से टेबलेटें आती हैं इसकी। तो ये AK-84 के नाम से है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो मतलब, इसका जो साल्ट है, जो साल्ट यूज़ होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा किस चीज़ में होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो साल्ट है, कॉम्बी पैक ऑफ एथाबुटोल हाइड्रोक्लोराइड एंड इसोनाजिड टेबलेट आईपी, पैराजाइनामाइड टेबलेट आईपी एंड रिफापेप्सिन कैप्सूल। ये दोस्तों, चलिए इसका जल्दी से इसका यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किट किस यूज़ के लिए आती है। क्योंकि ये दोस्तों, और जो मार्केट में मतलब मिलती है स्टिप, उसको हम एक एक टेबलेट करके, जैसे 10 की आ गई, 5 की आ गई, तो उसे खाते हैं। क्योंकि ये एक किट है, ये ट्यूबरक्लोसिस या मतलब टीबी के लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों, ये मतलब पूरी किट हमें एक ही दिन में ख़त्म करनी होती है। मतलब इसका मैं लेने के तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों, ये टीबी के लिए बहुत मतलब अच्छी टैबलेट है। इसका जो साल्ट है, ये रिफापेप्सिन, ये जो इसका साल्ट है AK-84 का, ये तो ब्रांड नेम है, और ये इसका साल्ट नेम है। ये साल्ट टीबी में भी, टीबी मतलब उसके टीबी के बैक्टीरिया को मारता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका टीबी का जो होता है, इसका कोर्स होता है, मतलब 6 महीने से 9 महीने तक का होता है। तो उसमें हम दवाई चलाते हैं AK-84, AK-83। मेरे इसी चैनल पे और भी AK-83 के बारे में भी वीडियो बनी है, आप उसे देखें। मैं आपको भी दिखाऊंगा दोस्तों कि इसे मतलब कैसे खाना होता है। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, AK-84 की ये किट है पूरी, और AK-83 की भी किट बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये जो है, ये टीबी की मतलब जब जांच करने के बाद, बलगम की या ट्यूबर टीबी गोल्ड मतलब जांच करने के बाद में हमें पता चलता है। अगर बलगम की जांच में नहीं आता, एक्सरे में नहीं आता, तो हम टीबी गोल्ड कराएंगे, उसमें साफ पता चल जाता है कि हमें टीबी या खून में या किसी भी चीज़ में टीबी होता है, तो उसमें हमें मालूम चल जाता है। तो उसके बाद ही हमें ये टेबलेट लेनी होती है। ये फर्स्ट मतलब स्टेज से मतलब जब चालू करते हैं हम शुरुआती, तो सबसे पहले AK-84 हमें खानी होती है। इसको जो हम लेते हैं, ये कैप्सूल जो होता है, ये वाला रिफापेप्सिन का, ये वाला खाली पेट लेना होता है, सुबह ही नाश्ते से पहले, खाली पेट सिर्फ। और ये जो होती है मतलब नाश्ता करने के बाद में, ये दोनों टेबलेट एक साथ लेनी होती है। और दोस्तों, ये मतलब रात में खाना खाने के बाद इसको लेनी है, मतलब 24, ये जो होती है ना, इसको 24 घंटे में एक बार एक किट लेनी होती है, और फिर 24 घंटे बाद में अगली किट, दूसरी किट, ऐसे मतलब ये 6 महीने तक लेनी होती है। तो इसका टाइम होता है कि मतलब कितने दिन वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि कितने दिन आपको मतलब कितना बैक्टीरिया, टीबी मतलब का है, हड्डी का है, हाथ का है, पेट की, या मतलब फेफड़ों की टीबी है। टीबी कई टाइप की होती है दोस्तों, तो टीबी की जांच कराने के बाद ही इस टेबलेट का सेवन करें। और यूं तो दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल में आपको मुफ्त यही दवाई मुफ्त मिलती है, मतलब यही साल्ट होता है, इसका साल्ट होता है ना मेन, इसी साल्ट से आपको दवाई मिलती है। वहाँ पर कोर्स होता है पूरा, वो कराते हैं। ये प्राइवेट की दवाई है, प्राइवेट में चलती है, मतलब जो भी डॉक्टर अपना आपका यहाँ का, वो एडवाइस करता है आपको कि भाई ऐसे ऐसे ये दवाई लो। मैंने आपको खाने का तरीका बताया, इसको देखिए, इसको लेते हैं हम सुबह खाली पेट, और इन दो गोलियों को नाश्ता करने के बाद में, और इसको रात को खाते टाइम। लेकिन दोस्तों, टाइम का ध्यान रहे, मतलब एक ही टाइम में लेनी है, जो टाइम आपने बांध रखा है सुबह में 7 बजे तो 7 बजे, और ये खाना खाने वाले 8 बजे तो 8 बजे, जो भी आपने रात में दिन में टाइम बांधा उसी टाइम पे लें। हाँ, कभी अगर लेट हो जाता है 1-2 घंटे, 3 घंटे, हद से 5 घंटे, 6 घंटे, तो आप दवाई उसी टाइम लें, छोड़े नहीं,
और जो आपकी जो डोज चल रही है जैसे सुबह में आया मान लीजिए, तो फिर सुबह में वही टाइम पे मतलब आपको लेनी है दवाई को, मतलब 24 घंटे के अंदर एक खानी है आपको ज़रूरी। तो दोस्तों देखिए फिर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये वाली जो है ये 184 फर्स्ट स्टार्टिंग में चलती है, 6 महीने या 4.5 महीने, मतलब वो आपके कोर्स के ऊपर है कि 3 महीने का या 9 महीने का डॉक्टर ने आपको बताया उसके हिसाब से। और ये जो दोस्तों ये वाली जो किट आती है ये 183 है, इसमें भी यही मतलब होता है फार्मूला, यही है इसका भी साल्ट, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा 183 ये टेबलेट है, इसमें भी साल्ट जो होता है कॉम्बी पैक ऑफ इथाबुटोगोल हाइड्रोक्लोराइड एंड सोनाजाइड टेबलेट एंड रिपैप्सिन कैप्सूल। तो देखिए दोस्तों ये 183 है, इसे जो लेते हैं हम इसे सुबह खाली पेट और इसे नाश्ते के बाद में ले लेते हैं इसको, ये मतलब आपका डॉक्टर बताएगा कि कैसे लेनी है, मैंने आपको बताई ठीक है दोस्तों। और हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, 84 के बारे में बात चल रही थी क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आप इसे टीबी की कोई भी ट्यूबरक्लोसिस हो तो ये सब ट्यूबरक्लोसिस मतलब चाहे हड्डी का हो, पेट का हो, या आँत का हो, फेफड़ों का हो, किसी भी चीज़ का हो जिससे फैस्टुला बन जाता है उसके लिए यूज़ होती है ये गोली। दोस्तों ये टीबी के लिए काफ़ी अच्छी टेबलेट है, इसकी MRP जो होती है 20 रुपये के समथिंग मिलती है आपको मार्केट से। देखिए दोस्तों मैं इसका जल्दी से खाने का तरीका बता देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों ये सुबह लेना है कैप्सूल खाली पेट, और ये दो 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 जो टेबलेट दिख रही है आपको ये नाश्ते के बाद में अपना टाइम बांध लेना है उसके हिसाब से लेनी है, और ये रात को सोते टाइम लेनी है आपको टेबलेट ठीक है। ये 184 ये फर्स्ट टाइम जब आपका ट्रीटमेंट चलेगा ना, जैसे कि आपने जाँच कराई आपको टीबी का बैक्टीरिया आ गया, तो उसके बाद में ये दवाई प्राइवेट अस्पताल में लगाते हैं, गवर्नमेंट में अलग होती है, वो अपने हिसाब से बताते हैं। और देखिए जब दोस्तों आपके 3 महीने मतलब हो जाएंगे, तो 3 महीने के बाद में फिर डॉक्टर यह वाली टेबलेट आपकी लगवाता है, 6 महीने का कोर्स है 183 3 महीने बाद में ये 184 को हटा के और फिर ये वाली टेबलेट लगवाता है 183। तो इसको कैसे लेना होता है, ये सुबह खाली पेट और ये नाश्ते के बाद में फौरन, तो फिर इसे ऐसे 3 महीने चलाती हैं, उसके बाद में फिर आपकी एक जाँच होती है टीबी के बैक्टीरिया की, पता चलता है कि आपको कितना है। ये 6 महीने का भी होता है, 9 महीने का भी होता है। तो दोस्तों हमारी चैनल को मतलब इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।